हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और कुछ कुछ सिचुएशन में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखा था। आगे भी हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, जो टॉर्क पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ हम देखेंगे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैंने शुरू में बताया था कि दो तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, एक तो बायोट सावर्ट लॉ यूज करके, है ना, और दूसरा क्या है, एम्पियर्स लॉ यूज करके। क्या करके? एम्पियर्स लॉ को यूज करके भी क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, है ना, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, होता क्या है। अब देखो यहां ध्यान से, यहां आप देखोगे तो एक जगह मैं केवल बी दिखा देता हूं, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन। अब क्या है देखो, यहां क्या है, दो फिगर दिखाया गया है। इस केस में यहां सर्कल के अंदर डॉट दिया और ये आई दिया है, इसका मतलब क्या है, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, आई मीन करंट का डायरेक्शन क्या है, अंदर से बाहर की तरफ, आई मीन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यदि मैं ऐसे बोर्ड की तरफ देखूं तो मेरे तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। तो यदि यही करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो आप देखेंगे कि किसी भी, यहाँ जो करंट का डायरेक्शन क्या है, आउट है, तो आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। देखो यहाँ ध्यान से, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हर जगह क्या होगा, क्या होगा इस सर्किल पे, क्या होगा सर्कल पे, क्या होगा टेंजेंट होगा और कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, ठीक है। यहां भी तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। यहां भी आप देखेंगे, यहां क्या है, यहां इस केस में क्या है, करंट इज गोइंग इनटू द बोर्ड, आप क्या बोलो, गोइंग इनटू द पेज। तो जब आप यहां से देखोगे तो क्या मालूम चलेगा, करंट अंदर जा रहा है। जब करंट अंदर जा रहा है तो आप कहीं फील्ड का जब डायरेक्शन देखोगे, डीएल को देखो, डीएल क्रॉस आर, तो किधर होगा, ऐसे होगा। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो कहीं भी देखो, कोई भी, यदि ये डॉट का मतलब क्या होगा कि जो क्वांटिटी यहां लिखा है वो क्या होगा, उसका डॉट का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या होगा, इनटू द बोर्ड। तो दोनों केसेस में क्या है, कॉन्सेंट्रिक क्या होगा, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। यदि यहां से आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे, इस केस में और इस केस में, क्यों, सिंस करंट बोथ केस में क्या है, सेम है, तो आर डिस्टेंस पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, बेसिकली क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, यहाँ दिखाया नहीं गया, ऐसे रखा गया, यहां भी क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। तो बोथ केसेस में आर डिस्टेंस पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, 2πr होगा। ये आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, 2πr होता है। अब मुझे क्या करना है इस केस में, अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, कि एक छोटा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, करंट एलिमेंट नहीं, आई मीन एक लेंथ कंसीडर कर लिया, लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे मैंने मान लिया डी है। यहां देखो लेंथ का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम है। इस केस में क्या है, क्योंकि देखो ये डीएल वेक्टर का भी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा, और बी का भी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट के अलोंग। इस केस में भी आप देखोगे तो यहां भी यदि डीएल वेक्टर, यहां ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस सर्कल के, हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप अपने से कंसीडर किया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर लूप इन बोथ केस ए एंड बी, या बोथ फिगर ए एंड बी, विल बी क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, 2πr। अब मुझे एक रिजल्ट सोचना है, तब हम आएंगे कि एम्पियर सो, देखो क्या होता है। अब यदि मैं इसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, ये क्या है, देखो दोनों क्या है, क्लोज लूप है। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको मैं मान लेता हूं, देखो क्या है, आई मान लिया, आई इज इक्वल टू, या ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है, देखो इंटीग्रेशन
बी डॉट क्या होगा डी एल, ठीक है, क्या है बी डॉट डी एल। और यहां क्या होगा, यहां एक सर्कल जो होगा ये क्या होगा, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, क्या पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऐसे। अब यहां एक सर्कल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसको हमने आई मान लिया, देखो इसको हमने आई मान लिया, सिंपल इसको कुछ भी हम, इसको हम क्या पढ़ेंगे सर्कल का ओवर क्या होगा, मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये याद रखना, इंटीग्रेशन इज बीइंग डन ओवर क्लोज लूप, ये सर्कल का मतलब क्या होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, यदि इस टोटल सिंबल को यदि आपसे कोई पूछे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज लूप, क्या पढ़ेंगे लाइन, बाद में मैं लिखूंगा लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ओवर ओवर ए क्लोज लूप। अब इसका वैल्यू मुझे निकालना है। अब इस केस में बी डॉट डी एल के आई मीन इन दोनों फिगर में देखो डी एल का यहां डी एल का बी डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है, आई मीन इस केस में आइदर फिगर ए एंड बी में हम बोल सकते हैं कि क्या होगा बी डॉट डी एल आई मीन बी एंड क्या होगा पैरेलल टू क्या होगा डी एल, ठीक है। तो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, देखो तो बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना होगा, देखो मैं बेसिकली एम्पियर्स लॉ प्रूव कर रहा हूं है ना कि क्या होता है, ये समझ में आया ना, इस केस में बी डॉट बी एंड डी एल क्या होगा पैरेलल होगा, तो यहां लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस क्या होगा जीरो और ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डी एल। और हमने देखा कि मैग्नीट्यूड क्या है, इस केस में बी का वैल्यू हर जगह क्या है सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन साइन से क्या लिख सकते हैं बार, तो बी इंटू क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एल। और डी एल क्या होगा, इस सर्कुलर लूप का क्या होगा लेंथ हो जाएगा आई मीन सरकमफेरेंस हो जाएगा, और बी का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू मालूम कितना है बी म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा टू पाई क्या होगा आर, और ए कितना होगा टू पाई क्या होगा आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो टू पाई आर और टू पाई आर कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू आई करंट नहीं है यार ध्यान देना, इसको जस्ट हमने सिंबल कंसीडर किया है, ठीक है सिंबल कि आई इंटीग्रल क्या होगा बी, ठीक है कि आई हमने क्या सिंबल यूज किया है, करंट मत कंसीडर कर लेना यार है ना, तो आई इज इक्वल टू आई मीन हमने क्या यूज किया है इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हुआ यहां से देखो म्यू नॉट इनटू क्या हुआ आई क्या है करंट इनक्लोज्ड बाय क्या है करंट, करंट इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा लूप, इस लूप को हम क्या बोलते हैं एम्पियर लूप भी बोलते हैं बाद में देखें, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा परमियबिलिटी, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज प्लेन लूप, ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज बाय द लूप, यही होगा ना, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ क्या होगा एम्पियर्स लॉ, क्या होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ करंट आई मीन लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज बाय द सर्कुलर लूप दैट इज कॉल्ड एम्पियर लूप। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बाद में हम जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या होगा, हेंस यहां से क्या मिला, हेंस यहां से हम बोल सकते हैं कि लाइन हेंस
हैंस लाइन इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ बी डॉट क्या होगा डी एल ओवर एक क्लोज क्लोज लूप इज म्यूनट टाइम करंट करंट इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा बाय द लूप दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ क्या होगा दिस इज कॉल्ड क्या होगा दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स ठीक है तो ये क्या करना है आपको ध्यान देना है कि क्या होगा कि हेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप इज म्यू टाइम करंट इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा लूप दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं एम्पियर्स लॉ बोलते हैं अब हम क्या करेंगे इसको जनरल रिजल्ट हमने क्या किया है कि स्पेशल केस कंसीडर किया था तो कोई जरूरी नहीं एम्पियर्स लॉ जो है क्या होगा लूप क्या होगा सिमेट्रिकल हो असिमेट्रिकल हो किसी भी सिचुएशन में एम्पियर्स लॉ क्या है वैलिड है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्या होगा बायोट सावर्ट लॉ क्या होना चाहिए वैलिड होना चाहिए यदि बायोट सावर्ट लॉ क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा तो एम्पियर्स लॉ कभी वैलिड नहीं हो सकता है ठीक है क्या होगा एम्पियर्स लॉ कभी वैलिड नहीं होता एज लाइक यदि कूलम्स लॉ इनवैलिड हो जाए तो क्या गॉस लॉ जो है वो क्या वैलिड होगा क्या नहीं होगा क्योंकि गॉस लॉ तभी वैलिड होगा जब कूलम्स लॉ क्या होगा वैलिड होगा इन द सिमिलर वे वी कैन से दैट द एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द बायोट सावर्ट लॉ विल वैलिड ठीक है अब हम क्या पढ़ेंगे एक जनरल स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे ठीक है ये बात आपको समझ में आया क्या जस्ट ये मैं बता रहा था कि बी डॉट डी एल का जो वैल्यू आता है म्यूनट इंटू आई आता है क्या आता है म्यूनट इंटू आई आता है तो अब हम क्या करेंगे एक जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे यहां से क्या लिखेंगे एम्पियर्स लॉ ठीक है क्या लिखेंगे एम्पियर्स लॉ अब यहां क्या है कि इसके पहले एम्पियर्स लॉ से पहले अपने वो क्या करना पड़ेगा एक लूप कंसीडर करना पहले क्या करो करंट कंसीडर कर लो देखो ध्यान से यहां हमने क्या किया है करंट कंसीडर कर लिया है हमने एक जनरल लूप कंसीडर किया है और यहां करंट क्या है देखो यहां डॉट यहां क्या है क्रॉस यहां क्या है डॉट ठीक है अगेन यहां डॉट अब इसको मैंने मान लिया आई वन इसको आर टू और इसको क्या मान लिया आई थ्री अब देखो नेट करंट यहां है करंट इनक्लोज बाय द लूप ठीक है इसका मतलब नेट करंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कुछ करंट जो है ध्यान से देखना यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना पड़ेगा कुछ करंट जो है वो क्या है पॉजिटिव होगा कुछ करंट क्या होगा निगेटिव होगा तो आपको क्या करना है कि रेंडमली आपको क्या करना है रेंडमली आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप क्या करो बी का डायरेक्शन जो है क्या करो रेंडमली आइदर क्लॉकवाइज और क्या करो एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करो ठीक है क्या करना है बी का डायरेक्शन जो है क्या करना है आई मीन कंसीडर इसको हम पहले एम्पियर्स लूप कंसीडर कर लो इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एम्पियर लूप क्या बोलते हैं हम इसको एम्पियर लूप बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको एम्पियर लूप मैंने क्या बताया कि एम्पियर लूप कंसीडर कर लो और आपको करंट किसको पॉजिटिव मानना है किसको निगेटिव मानना है ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है आप क्या करो क्या करोगे रेंडमली आप क्या करो रेंडमली एरो दे दो आई मीन ये एरो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेंडमली हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड दिस विल गिव द क्या होगा डायरेक्शन ऑफ क्या होगा दिस विल गिव एरो डायरेक्शन ऑफ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो हमने मान लिया एक छोटा सा लेंथ मान लिया छोटा सा लेंथ ही मान लिया ठीक है छोटा लेंथ मान लिया
एम्पियर्स छोटा पार्ट, इस ए क्या है डीएल, और यहां मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऐसे। ठीक है, समझ में आया ना क्या है मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। हमने ये मान लिया, एक जनरल स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं है ना, हाँ ये मैंने गलत डायरेक्शन, कोई जरूरी नहीं है सॉरी, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमने क्या मान लिया कि अपने से डीएल का डायरेक्शन, आई मीन ये सिंपल क्या किया हमने, एरो दे दिया और इसी के डायरेक्शन में क्या होगा डीएल का डायरेक्शन होगा। तो हमने डीएल का डायरेक्शन क्या होगा इधर मान लिया, और यहां माना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां किधर है, इधर है, इधर इधर। तो मैं ये बता रहा था कि क्या है गिव एरो है ना, तो हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या करना है आपको एरो का डायरेक्शन दे देना है। ठीक है, एरो के डायरेक्शन में क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, कर्ल योर फिंगर राइट, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड पाम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरो, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या होगा द करंट। तो देखो यहां यदि मैं ऐसे करूं, ऐसे ऐसे देखो यहां से एरो मैंने अपने से रेंडमली ले लिया, तो एरो के डायरेक्शन में यदि कर्ल करूंगा तो आउटवर्ड कौन कौन सा करंट है, तो आउटवर्ड क्या है आई वन और क्या है आई थ्री, तो आई वन और आई थ्री क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और आई टू क्या हो जाए, आई मीन आई टू क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आई टू का डायरेक्शन क्या है अंदर है। तो यहां यदि मैं कैलकुलेट करूं कि आई इनक्लोज, देखो तो क्या होगा आई इनक्लोज, यहां लिख रहा हूं आई इनक्लोज, इनक्लोज इक्वल टू क्या होगा आई वन प्लस आई थ्री माइनस क्या होगा आई टू। यदि मैं एरो ऐसे दिया हुआ होता, क्या होगा ऐसे दिया हुआ होता, तो यहां कौन सा पॉजिटिव होता यार, समझ में आया ना, कौन सा पॉजिटिव होता आई टू पॉजिटिव होता और I1 और I3 क्या होता नहीं। तो क्या करना है एम्पियर्स लॉ लूप अपने से कंसीडर कर लेना है, उस पे एक क्या होगा रेंडम डायरेक्शन कंसीडर कर लेना है डीएल का डायरेक्शन, और उसके डायरेक्शन में क्या करना है राइट हैंड पाम, राइट हैंड में जो फिंगर है उसको क्या करना है कर्ल करना है किधर एरो के तरफ, और थंब का क्या है डायरेक्शन देखना है, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा विल गिव द ट्रू डायरेक्शन ऑफ क्या होगा ट्रू डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां मैं लिख देता हूं नोट में है ना, पहले क्या है कि ठीक है तो नोट में या छोड़ो तुम लोग, तो यहां क्या करेंगे डायरेक्ट समझ में आया ना कि राइट हैंड पाम रखो और कर्ल करो किसको फिंगर को किधर करंट के एरो के डायरेक्शन में, थंब का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा ट्रू करंट का डायरेक्शन देगा। अब अकॉर्डिंग टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या होता है कि क्या होगा बी डॉट डीएल, मैं अब जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं है ना, यहां क्या लिख रहा हूं लाइन इंटीग्रल ऑफ, ठीक है तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा एम्पियर्स लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप कॉल्ड क्या होगा एम्पियर लूप over a closed loop called ampere loop is equal to mu naught times net current enclosed by the kya hoga by the loop current, I mean is loop ke andar is क्या है इस एम्पियर लूप के अंदर जितना करंट है उसका नेट करंट निकालना है। यहां क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल है ना ओवर इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट इनटू क्या होगा आई
इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन फिर से समझ में आया ना। अब यदि देखो क्या होगा, यदि B dot dl क्या हो रहा है, आई मीन ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो B dot dl का जो आई मीन ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यदि ये निगेटिव आ रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और मालूम चल जाएगा। तो यहाँ एक दो पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है कि पहले क्या है, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्या है, एम्पियर्स लॉ। नोट में आ, मैं लिख देता हूं, ये ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली, क्या होगा ये मैं लिखना है, एम्पियर्स लॉ इज क्या होगा, वैलिड ओनली व्हेन व्हेन बायोट सावर्ट लॉ इज वैलिड, ठीक है। दूसरा जो क्या है, एम्पियर्स लॉ एज लाइक बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर डीसी करंट, याद रखना है, ठीक है। सी में लिखना है कि एम्पियर्स लॉ जो होगा वो क्या होगा, आज अलवेज क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। सी में लिखना है क्या है कि एम्पियर्स लॉ इज अलवेज वैलिड वेदर द एम्पियर्स लूप इज सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, समझ में आया ना। तो थर्ड जो पॉइंट लिखना कि एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लॉ इज डिफाइन डिफाइन फॉर एनी टाइप ऑफ, क्या होगा, एनी टाइप ऑफ क्या होगा, लूप, ठीक है, बट इट इज यूजफुल व्हेन but it is useful when there is a symmetrical distribution of current, ठीक है। करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब देखो कंडीशन फॉर सिमेट्रिक, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, देखो क्या है, ठीक है। तो पहले क्या होना चाहिए, आइदर क्या होना चाहिए, तो यहां लिख देता हूं, एम्पियर्स लॉ इज यूजफुल व्हेन, यहां लिख देता हूं, आई मीन डी में लिखेंगे कि एम्पियर्स लॉ इज यूज्ड ओनली व्हेन व्हेन देयर इज ए सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या क्या होना चाहिए ये तुम यहां से देख करके बता सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन आ रहा है, तो सिमेट्री क्या क्या होना चाहिए कि आई मीन क्या होना चाहिए,
कैंपियर्स लॉ इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज ए सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर सिमेट्री यहां लिख देता हूं कि कंडीशन ऑफ क्या है, सिमेट्री। पहला क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एम्पियर लूप, लूप मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्स्टेंट। आई मीन एम्पियर लूप के हर जगह बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि आइदर क्या होना चाहिए, ये पूछा जाता है तुमको, बोर्ड में पूछा जाएगा, जेई में तो ये नहीं, हाँ जेई में जरूर पूछा जाएगा लेकिन बोर्ड में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है कि सिमेट्रिकल सिचुएशन क्या होना चाहिए, देखो आइदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉर्मल टू द एम्पियर लूप, और क्या होना चाहिए, टेंजेंट टू द एम्पियर लूप, दो ही कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी, अब देखो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी एवरी पॉइंट ऑफ एम्पियर लूप, एम्पियर लूप आइदर मस्ट बी टेंजेंट, मस्ट बी टेंजेंट टू द लूप और नॉर्मल टू द लूप, तो यदि ऐसा होगा तो ये समझ में आया, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं यहां, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि ऐसा होगा तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, और यदि ऐसे होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बी डी एल, ठीक है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ऐसे लिख सकते हैं यार, क्योंकि जीरो डिग्री, और आइदर क्या हो सकता है, यदि यहाँ क्या हो जाएगा, बी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी, ऐसे हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, और अदरवाइज क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यदि ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप एम्पियर्स लॉ यूज करोगे तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है कि क्या, कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है क्या, सिमेट्री क्या होना चाहिए कि जो भी आप एम्पियर्स लूप आप कंसीडर करोगे उस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पाथ पे क्या होना चाहिए, आइदर टेंजेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम क्या है देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग क्या है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। आज के क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।